तस्वीरें उस उम्मीद पहलवान की है जो टीवी पर बैठकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, जो बोलता था गाजियाबाद पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दूंगा। अब कैसे पुलिस के पैरों में पड़ा है, कैसे अपना मुंह नीचे किए बैठा है। ये वही उम्मीद पहलवान है जो अब तक टीवी चैनल पर बैठकर पुलिस को चुनौती देता नजर आ रहा था। अब योगी के एक्शन के बाद उसकी बोलती बंद हुई और सर नीचे झुका हुआ है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उम्मीद पहलवान को गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर से हुई है। जैसे ही उम्मीद को शक हुआ उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे के सामने वो कुछ कर नहीं पाया। आपको बता दें कि उम्मीद पहलवान अपनी गोल टोपी भी नहीं पहने था, वो पुलिस को चकमा देना चाहता था। इससे पहले पुलिस इस मामले से जुड़े सभी 11 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। लोनी बॉर्डर के पास मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब्दुल समद की पिटाई को धार्मिक रंग देकर और उसको बड़ा मुद्दा बनाकर यूपी के अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में उन्माद भड़काने की साजिश रची गई थी। तुरंत तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उम्मीद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। सर, इस मामले में कुल कितने आरोपी थे और कितने अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? हम लोग जो घटना मारपीट वाली थी उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। ये एक सेपरेट केस था जिसमें आज ये उम्मीद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से हम लोगों ने की है। अभी जस्ट अरेस्ट हुए हैं और अभी इनको गाजियाबाद ला करके और फिर इनसे पूछताछ की है, जैसे जो फैक्ट्स और निकल के आएंगे वहाँ से। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीद पहलवान पर ही उन्माद भिड़काने की साजिश रचने का आरोप है। सपा नेता उम्मीद पहलवान ने ही अब्दुल समद का फेसबुक लाइव किया था और फेसबुक लाइव के दौरान दावा किया गया था कि अब्दुल समद की जबरदस्ती पिटाई की गई और उसे जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, साथ ही उसकी दाढ़ी भी काटी गई। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो ये सारी बातें झूठी निकली और पाया गया कि अब्दुल समद ने परवेश गुज्जर नाम के व्यक्ति को कोई ताबीज बना कर दिया था और परवेश गुज्जर का दावा था कि ताबीज की वजह से उसके घर पर नुकसान हुआ, जिसके बाद परवेश ने अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर अब्दुल समद की पिटाई कर दी थी। फिलहाल उम्मीद पहलवान पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के बाद उम्मीद क्या खुलासे करता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।